वेलकम बैक टू माय चैनल पुंज इंटीरियर। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं पूजा। मेरे चैनल पुंज इंटीरियर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जनाब, पैसे खर्च करके तो कोई भी अपना घर, अपना लिविंग रूम सुंदर बना सकता है, लेकिन बात तो जब आती है कि जब हमें बिना पैसे खर्च किए या हमारा बजट बहुत ज़्यादा टाइट है और या फिर किसी और रीज़न की वजह से हमें पैसे खर्च नहीं करने हैं, तो हम कम पैसे में, कम बजट के अंदर अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कैसे करें, ऐसे हम अपने किचन को फंक्शनल करें, ऑर्गेनाइज़ करें, वो भी जीरो बजट के अंदर और बिना कोई स्टील की शेल्फ या बिना कोई ऑर्गेनाइज़र परचेज़ किए हम अपने किचन को कैसे सुंदर बनाएं या फंक्शनल बनाएं। आज मैं आपके साथ अपने इस वीडियो में इसी टॉपिक पर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में आपके साथ जीरो बजट के अंदर अपना काउंटर टॉप का मेकओवर शेयर करूंगी, क्योंकि किचन के इस मेकओवर में मैंने एक भी पैसे खर्च नहीं किए हैं। बस इधर उधर से जुगाड़ करके, घर की ही चीज़ों को इधर उधर से ला करके, किचन को डेकोरेट करके किचन को ऑर्गेनाइज़ किया है। मैं अपने इस बजट काउंटर टॉप के वीडियो में आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि मैंने पहले स्टील शेल्फ यूज़ करके अपने सामान को अरेंज किया था, लेकिन यहाँ मैं ओनली 50 से 100 रुपीज़ के बजट के बीच में ही किस तरह से काउंटर टॉप के सामान को अरेंज भी कर दूंगी और हमारा काउंटर टॉप सुंदर भी लगने लगेगा और ऑर्गेनाइज्ड भी रहेगा। तो फ्रेंड्स, डोर पर मैंने ये जो माई किचन माई रूल का ये जो पेंटिंग लगाई हुई है, ये मैंने प्लाई पर, जो वुडन प्लाई होती है, उस पर DIY करके बनाया है। इसके वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। ये सबसे पहले तो किचन का मैं डोर ओपन करूँगी। डोर के ओपन करते ही सबसे फ्रंट में सिंक है और सिंक के लेफ्ट हैंड साइड में बर्तन लगाने का स्टील का स्टैंड मैंने फिट करवाया हुआ है। एक्चुअली यहाँ किचन की विंडो है तो उसके ऊपर ही इस स्टैंड को लगाया है, क्योंकि किचन में स्पेस नहीं है। एक्चुअली हमने रिसेंटली अभी शिफ्टिंग की हुई है, तो ऑब्वियसली किचन उस पुराने किचन से पूरा चेंज है। किचन काफ़ी छोटा भी है और पूरे किचन में कहीं पर भी स्पेस नहीं था कि मैं बर्तन की शेल्फ को लगा सकूं, तो बस मुझे ये विंडो ही मिली जहां पर मैं इसे लगाकर सेट कर सकती थी। लेकिन किचन में जो वुडन शेल्फ लगी हुई हैं, उनमें सिर्फ आप सामान रख सकते हो, किचन के कंटेनर रख सकते हो, जिससे दिखाई नहीं देता। इसका एक प्लस पॉइंट ये भी है, और अलमीरा लगे होने की वजह से किचन मैसी और अनऑर्गेनाइज्ड नहीं दिखाई देता है, और किचन में बर्तन लगाने की ट्रॉली नहीं है। और सिंक एरिया के बाद बारी आती है, यहाँ मेरा RO प्योरीफायर लगा हुआ है और उसके बाद यहाँ मेरा 3 बर्नर का गैस स्टोव रखा हुआ है। और किचन का जो स्लैब है वो L शेप का है और बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। सामान तो स्टील की शेल्फ में भी आ जाता है, लेकिन बहुत कम सामान आता है। लेकिन अगर किसी को थोड़ा सा सामान और भी ज़्यादा रखना है, तो मैं जो अभी जो जुगाड़ कर रही हूँ, मैंने जो 50 से 100 रुपीज़ के बीच में जो जुगाड़ बनाया है, जो मैंने प्लाई के जो पतले पतले से पाटे टाइप से लिए हुए हैं, मैं उनसे जुगाड़ करूँगी। अब मैं सबसे पहले मैं किचन के काउंटर टॉप के सारे सामान को हटाऊँगी, और जिससे मुझे ये समझ आएगा कि मुझे क्या क्या सामान रखना है। और मैंने टाइल्स वगैरह की भी क्लीनिंग कर ली है और मैंने काफ़ी अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये प्लाई के बोर्ड बनवाए हुए हैं, मुझे ये हार्डली 100 रुपीज़ के पड़े हुए हैं, और ये मैंने 3 अलग अलग साइज़ के बनवाए हुए हैं, और इनकी हाइट काफ़ी अच्छी है और ये तीनों ही अलग अलग साइज़ के हैं। आप इस तरह से इनके ऊपर भी सामान लगा सकते हैं और इनको एक के ऊपर एक रख सकते हैं, तो आप बीच में भी सामान लगा सकते हैं और सबसे नीचे भी सामान लगा सकते हैं। तो मैं जो स्टील की शेल्फ यूज़ कर रही थी, उससे ज़्यादा सामान इस जो मैंने वुडन के प्लैंक बनवाए हुए हैं इनके अंदर आ जाएगा। और क्योंकि हम काउंटर टॉप के ऊपर उसी सामान को रखते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ का होता है। फ्रेंड्स, तो मैं बता दूं कि काउंटर के जस्ट ऊपर 2 वुडन शेल्फ बनी हुई है, ये ओपन शेल्फ हैं, और आप इसे चाहो तो डेकोरेट करके रख सकते हो या फिर इसमें आप अपने कप वगैरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर ग्लास के जार रखती हूँ, जिनमें मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखती हूँ, जैसे
ब्लैक रेजिन, पम्पकिन सीड, ऑलमंड्स, पिस्ता, कैशियू, डेट्स। बच्चों को मैं ये डेली बेसिस में देती हूँ, उनको मैं चॉकलेट्स वगैरह नहीं देती हूँ, ड्राई फ्रूट्स देना प्रेफर करती हूँ। और इसके जो साइड में जो शेल्फ है, इसमें मैंने सारे स्टील के कंटेनर लगा के रखे हुए हैं, और इनके ऊपर मैंने प्रॉपरली स्लिप लगाई हुई है, जिससे मुझे समझ में आए कि किस कंटेनर में क्या सामान है। और इसमें सारा ब्रेकफास्ट के टाइम पर यूज़ आने वाले ये कंटेनर हैं। इसमें मैं रोस्टेड मूंगफली, रोस्टेड दलिया, रोस्टेड सूजी, साबूदाना, सोया बड़ी, इस तरह का आइटम रखती हूँ, जो मेरे लिए काफ़ी हैंडी और यूज़फुल होता है। अब बारी आती है काउंटर की। अब मैं अपने किचन के एल वाले कॉर्नर पर इन चौकी को, या आप इसे पाटा भी बोल सकते हैं, इनको एक के ऊपर एक लगाकर रखूंगी। अब इन वुडन शेल्फ के ऊपर मेरे किचन का वो सामान आ जाएगा जिसकी मुझे बार बार ज़रूरत पड़ती रहती है। जैसे मैं यहाँ पर टी शुगर कॉफ़ी के जार रखूंगी, जिसकी सभी को अपने किचन में नीड रहती है। और उसके बाद मैं यहाँ पर मखाना रखूँगी, जिसकी मुझे स्नैक्स के टाइम पर नीड रहती है। इसके नीचे वाली शेल्फ में मैं सॉल्ट रखती हूँ, जिसको कि मैं सेरेमिक जार में रखना प्रेफर करती हूँ। ये सेरेमिक जार देखने में तो सुंदर लगते ही हैं और आपके किचन के लुक को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। किचन में हमेशा उन चीज़ों को रखना प्रेफर कीजिए जो आपके किचन की ब्यूटी को भी बढ़ाए और वो चीज़ यूज़फुल भी हो जाए। अब मैं इन येलो सेरेमिक जार में पिकल को रखती हूँ। बस मैं यही दिखाना चाह रही हूँ कि जो आइटम मैं स्टील की शेल्फ में रखती थी, वो मैंने प्लेन वुडन शेल्फ पे रख रही हूँ, तो मेरा स्पेस भी बच रहा है। अब मैं इस राउंड पीतल की उरली का यूज़ करूँगी। इसमें मैं ऑयल बॉटल और हींग और इलायची रखती हूँ। मैं ओनली मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करती हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर नाइफ स्टैंड को रखूँगी। और अब सबसे नीचे वाली शेल्फ में मैं घी के लिए स्टील के छोटे छोटे से कंटेनर रखती हूँ। ये देखने में सुंदर तो लगते ही हैं, आपके किचन को ऑर्गेनाइज करके भी रखते हैं। एक कंटेनर में मैं चपाती के लिए घर का बना हुआ घी रखती हूँ, और एक में मार्केट का घी रहता है, और एक में फ्राई किया हुआ बचा हुआ ऑयल रहता है। तो इस तरह मेरी सारी चीज़ें अरेंज हो जाती हैं। अब मैं किचन को थोड़ा और खूबसूरत लुक देने के लिए यहाँ पर थोड़ी सी ग्रीनरी ऐड करूँगी। यहाँ पर एक सेरेमिक प्लांटर में मनी प्लांट को लगाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी सी ग्रीनरी ऐड कर देने से किचन का लुक कितना चेंज हो गया है। अब मैं यहाँ पर साइड में छोटी सी वॉच रखूँगी, जिसे मैंने खुद ही DIY किया हुआ है। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब लास्ट में बारी आती है स्पून होल्डर की। मैं जहाँ पर गैस के पास काम करती हूँ, उसके जस्ट पीछे वाली शेल्फ पे, जो मैंने ये बनाई हुई है, इस पर मैं स्पून रखती हूँ।
ये मील्स एंड मेमोरीज मैंने DIY किया हुआ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से जाके इसको, आप वहां से मेरे वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन का आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपको मैं कम बजट के अंदर, लो बजट के अंदर आपको ऐसा मेकओवर दे पाऊँ जो हर किसी के बजट के अंदर आ जाए और हर कोई अपने किचन में उन चीज़ों को यूज़ कर पाए। ज़रूरी नहीं है हम पैसा खर्च करके ही चीज़ों को खरीदें और अपने किचन को सुंदर बनाएं। बस हमें थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा सोचना है कि हम किस तरह से चीज़ों को रीयूज कर सकें। बस आज का वीडियो इतना सा ही था, तो आगे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।